Hello students, welcome back. I am Prashant Tesser and you are watching 5 Tech Tutorial. Learning gives you creativity. Now we are in association with Radiant Academy Virar. So guys, aaj ka apna topic hai electronic configuration. Aaj ka apna topic hai electronic configuration of the chapter periodic classification of element. तो हमारा ये थर्ड लेक्चर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर एक्चुअली सॉरी दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर. इन फर्स्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट्स. आफ्टर दैट इन दैट लेक्चर I have explained you about the some laws like Dobbs-Ahrens-Stride, Newland's octaves and the Mendeleev's periodic table, periodic law. And after that, in my second lecture, I have explained you about the merits and demerits of the Mendeleev. In the third lecture, मैंने आप लोगों को दिया है third lecture में modern periodic table का complete information. Here we are going to continue in our next lecture, fourth lecture, we are going to continue electronic configuration. So my dear students, all जो previous lectures हैं उनके link आपको description box में मिल जाएंगे. तो अगर आपने वो videos अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लेना. और अगर हमारे channel पे आप new हैं तो channel को subscribe कर दीजिए, video को last तक देखिए, video पसंद है like करें, share करें. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बहुत कम बोलता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली बोलना जरूरी है. ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर इस बात को ध्यान दें, वीडियो लास्ट तक देखें, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अपने समय को बर्बाद किए बगैर हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड आप लोगों को अबाउट दी सेल सिखाया गया बेटा कि कोई भी अगर एक एटम है तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द रिस्पेक्टिव सेल. इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज. यस गाइस, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ये सारी बातें हमें पता हैं. हमने में भी बोला आपको स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आफ्टर द न्यूक्लियस देयर आर ऑर्बिट्स, सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं के सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इनका नेम दिया गया है. एंड वी नो दैट इन के सेल देयर आर ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन स्टेब्लिश. हमें यह चीज पता है कि के सेल में दो इलेक्ट्रॉन स्टेब्लिश हो सकते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन. इसके रिगार्डिंग इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद रहेगा आई थिंक, तो 2n raised to 2. अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करता हूं, फर्स्ट सेल की मैं बात करता हूं तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैल्यू 2 आता है. सेकेंड सेल की बात करता हूं तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं थर्ड सेल की बात करता हूं 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 = 18, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में. एन की वैल्यू अगर मैंने फोर्थ सेल की बात किया तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 2 = 16, 2 × 2 = 32, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 32, तो ये देखो फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिस्पेक्टिव सेल कैन फाइंड आउट. ओके गाइस, तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है और आपको ये कंसेप्ट पता है. अगर नहीं पता है तो आप इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए, परमानेंट मार्कर से रफ नहीं होना चाहिए भाई. चलो, तो इलेक्ट्रॉन को उसके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में फिल करना, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं किस तरीके से हम करते हैं.
कुछ एलिमेंट्स, टॉप 20 एलिमेंट्स के नेम आप लोगों को याद होने चाहिए, तो आज मैं वो भी दूंगा, टॉप 20 एलिमेंट्स के नेम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन का किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर जो होता है नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 1, एटॉमिक मास होता है 2, ऐसा हम देखते हैं 1H2 ऐसे फॉर्म में। इसका आइसोटोप्स 1H1 भी होता है, 1H3 भी होता है, तो 1H2 के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर 1। तो 1 का मतलब क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है गाइस, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 1। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एन एटम, एक एटम में बिफोर आयनाइजेशन। अब ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन से पहले, मतलब एक स्टेबल, एक न्यूट्रल अगर एटम की बात करूं, मतलब ये किसी के साथ कुछ भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का नहीं किया है, तो उस टाइम पे उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। तो गाइस मैंने एटॉमिक नंबर क्यों बोला आपको, बिकॉज रीजन इज दैट कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब हमारे हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज द 1, दैट इज द 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हो गया फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले सेल में आके बोलेगा भाई मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं, तो ये फर्स्ट सेल में आके एस्टेब्लिश हो गया। तो अभी क्वेश्चन कोई पूछेगा मेरे से कि सर एक बात बताइए कि ये फर्स्ट सेल में क्यों गया, सेकंड सेल में क्यों नहीं गया। बेटा रूल होता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट सेल भरेगा, अगर फर्स्ट सेल भर गया तो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड सेल भर गया तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब तक उसका प्रीवियस सेल नहीं भरता है, मतलब ग्राउंड स्टेट वाला सेल नहीं भरता है, तब तक इलेक्ट्रॉन्स अपर सेल में नहीं जा सकता है, दिस इज द रूल, ओके, इतना आपको पता चल गया। नेक्स्ट मैं एक अदर एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैं हीलियम की बात करता हूं, हीलियम का 2He4 होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम हियर 2, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लेके चलता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, सेल न्यूक्लियस हो गया, इसके फर्स्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल का रिक्वायरमेंट कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आके अपने आप इधर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी था फर्स्ट सेल को, हीलियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हीलियम जो होता है ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसको देखो, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके फर्स्ट सेल इसका फुलफिल है, तो हीलियम को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जिनको एक भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैस और जीरो ग्रुप। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल में बताया था कि मेंडलीव ने एक सेपरेट प्लेस बनाया था नोबल गैस के लिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो नोबल गैस का एक सेपरेट प्लेस है लास्ट में, 18th ग्रुप जो है, इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। नोबल गैस, 18th ग्रुप, जीरो ग्रुप, ये तीनों नाम है, कंफ्यूज होना मत गाइस। तो ये तीनों नेम से हम लोग इसको जानते हैं, ये नोबल गैस हो गया। एक और एलिमेंट लेता हूं, दैट इज द लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। ये आपको भी मैं याद करा दूंगा किस तरीके से याद करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो चलो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ जाएंगे। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रो रहा है भाई मुझे भी कहीं पे एडजस्ट करो, तो फर्स्ट सेल बोलता है भाई मेरे पास तो जगह नहीं है, एक काम कर तू अगले वाले सेल में चला जा। तो ये सेकेंड सेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। तो अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जो था उस सेकेंड सेल में चला गया। अब सेकेंड सेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है एक ही इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना, लिथियम के सेकंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके किसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है गाइस, इसको यहाँ पे
8 होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये मार्केट में 7 इलेक्ट्रॉन के लिए भीख मांगेगा, बोलेगा भाई मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, बराबर है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेरी नाइस। एक और इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूं, एक और, ठीक है। जैसे मैं सोडियम लेता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद का ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ गए, अब बचे कितने 9, बचे कितने 9, पहले 2 आ गए बचे कितने 9, अब 9 कहां पे जाएंगे, ये सेकंड सेल में, लेकिन सेकंड सेल को चाहिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तो अपने 9 में से एक 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आ गए, अब बचा कितना इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अब तीसरा सेल लेके जाएगा, तो थर्ड सेल इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8,1। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को उसके रिस्पेक्टिव सेल में, हम लोग इस तरीके से रिस्पेक्टिव सेल में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के बारे में, मतलब कुछ जो एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब 20 एलिमेंट्स तो बच्चों आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। ये 20 एलिमेंट्स को किस तरीके से याद करेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नेम लिख रहा हूँ, और ये एलिमेंट को, एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ये एलिमेंट को याद कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, इनके एटॉमिक नंबर भी बताऊंगा। चलो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। दीज आर दी 20 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, और पोटेशियम 19, और कैल्शियम 20। These are the atomic number of the respective elements. जो elements मैंने आपको बताया उसके आपके atomic number हो गए ये, ठीक है students? Okay. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 elements को याद कैसे रखना है, ठीक है? ये 20 elements को आपको याद कैसे रखना है? इसको ऐसे थोड़ा funny way में याद रखेंगे। इनका trick है, trick क्या है? इसको बोलते हैं hi, hello, listen. क्या बोलते हैं? Hi, hello, listen. BBC News. क्या बोलेंगे? Hi, hello, listen, BBC News on Friday night. Hi, hello, listen, BBC News on Friday night. Hi, hello, listen, B, ऐसे होता है, पहले आपका B, फिर B, C, News, Neon, any, On, O, Friday, F, Night, any, तो Hi, Hello, Listen, BBC News on Friday night,
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोग ये 10 एलिमेंट्स याद कर लिए। उसी तरीके से नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स याद करने का ट्रिक मैं आपको देता हूं। ना ना बोले सोडियम, ना मांगो, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला, पेप्सी सोडा कोला और किटकैट। तो इस तरीके से याद करो इसको, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और किटकैट। तो गाइस इसको इधर याद करते हैं, ना बोले तो Na सोडियम, मांगो मतलब Mg, अल्लाह Al, से S I C, पेप्सी P, सोडा S, कोला Cl और Ar किट के कैट सी ए। तो ना मांगो ना बोले तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक बना के एलिमेंट्स को याद रखते हैं तो आपको लाइफ में कभी भूलेंगे भी नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये होता है कि आपको ये चीज का एटॉमिक नंबर हमेशा याद रहेगा, आपके फिंगर टिप पे रहेगा, कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ा तुरंत आप उसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हाँ एलिमेंट्स के नेम याद रखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, यू शुड हैव टू नो दिस, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो नाउ आई विल टीच यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यूजेस, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग ग्रुप्स के बारे में कैसे पता करेंगे एंड पीरियड्स के बारे में कैसे पता करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि ये सोडियम कौन से ग्रुप में है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देखेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज द 11, मतलब अपने सोडियम के आउटर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 11 होते हैं। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो बनेगा 2, 8, 10, 10+1, 11। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेकेंड पॉइंट अपना आता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखना। अब आउटर मोस्ट सेल जो होता है इसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये बताएगा जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आपका बताएगा नंबर ऑफ ग्रुप आपको ये बताने वाला है। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं जरा। तो ऑक्सीजन कौन सा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, फिंगर टिप पे आ जाओ, हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज़ ऑन। तो ये आपका 8 पे आ गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2.6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2.6 आपका 8 हुआ।
तो अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 6 ना, तो आपका ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन है वो 6th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6th ग्रुप का। मैग्नीशियम की बात करते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर होता है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, इट गिव्स द नंबर ऑफ ग्रुप इन विच एलिमेंट स्टेब्लिश, जिसके अंदर एलिमेंट स्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से पीरियड फाइंड आउट करना कि कौन से पीरियड में गिवन एलिमेंट है। तो देखो जरा ये कैसे पता चलता है, सेम सोडियम को ही लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल जो होगा ये आपको बताएगा पीरियड नंबर। क्या बताएगा ये आपको पीरियड नंबर बताएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में ये है, तो टोटल सेल कितने इसके पास, 3 है। टोटल सेल कितने हैं, 3 है। तो ये कौन से पीरियड का, इसका पीरियड क्या है, कौन से पीरियड में सोडियम बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड में। तो योर सोडियम फ्रॉम थर्ड पीरियड एन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, दो सेल बना तो सेकंड पीरियड हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड 6th आपका ग्रुप, 6th ग्रुप का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में, और 6th ग्रुप में पाया जाता है कौन, आपका ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की बात करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम 12 होता है, 2,8,2, तो यहाँ पे 3 सेल है, तो ये थर्ड पीरियड हो गया, और सेकेंड ग्रुप, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि गिवन एलिमेंट, रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप। सोडियम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले मैं सोडियम की अगर बात करूं इधर पे, ठीक है, ओके, सबसे पहले अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम देखो आपका इधर है, तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो आउटर मोस्ट सेल, तो आपके 3 सेल बने थे, तो थर्ड पीरियड, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इधर है, आउटर मोस्ट सेल कितने सेल थे, टोटल 2 सेल है, तो ये देखो सेकंड पीरियड में है, और आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये देखो 6th ग्रुप में है। यहाँ पे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि सर 6 तो यहाँ पे आता है, बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करो, यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ही नहीं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनके लिए ये थर्ड हो जाता है यहाँ तक के लिए। जब उसके बाद जब मैं ये फोर्थ पीरियड में आऊंगा तो भाई मेरा थर्ड इधर पे आ जाएगा, तब यहाँ पे थर्ड नहीं है, ये थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।